महाराष्ट्र के महासंग्राम में संख्या शब्द के जरिए एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश जारी है। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि उनके पास शिवसेना के 38 विधायक हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र के सियासी संकट में फंसे उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने बैठक में कहा कि उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है, जिन्हें पार्टी छोड़कर जाना है वो जा सकते हैं, वो अपने बूते पार्टी को फिर से खड़ा कर सकते हैं। दूसरी तरफ गुवाहाटी से महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में उतरे शिंदे गुट ने एक और हथियार चलाया। असम के गुवाहाटी में ही शिंदे गुट के बागी विधायक मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे का दावा है कि उन्हें शिवसेना के 38 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने एक बार फिर से विधायकों का एक वीडियो जारी कर दिया। इस वीडियो में एकनाथ शिंदे हंसते मुस्कुराते विधायकों से मिलते दिखते हैं। एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ तस्वीर खिंचवाते देखे जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की राग अलाप रहे एकनाथ शिंदे के खिलाफ महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। एकनाथ शिंदे के खिलाफ शिवसैनिकों ने नारेबाजी की, लेकिन गुवाहाटी में टिके बागी विधायकों पर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। इन सब के बीच शुक्रवार को खबर आई कि एकनाथ शिंदे मुंबई लौट रहे हैं, लेकिन बाद में शिंदे के मुंबई लौटने की बात अफवाह निकली। उनकी गाड़ी गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल के अंदर जाती दिखी। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि एकनाथ शिंदे कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना करने गए थे। महाराष्ट्र में जारी सियासी महासंग्राम के पीछे शिवसेना सांसद संजय राउत ने BJP का हाथ करार दिया है। उन्होंने BJP राज्य में बागी विधायकों की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। दूसरी तरफ असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने उद्धव ठाकरे पर तंज कस दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो उद्धव ठाकरे को असम आने का न्योता भी थमा दिया। आपका मुँह से सुना कि और पहुँच रहा है, तो और भी पूरा देश का जितना विधायक गण है सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, असम में आइए। वो कह रहे हैं कि आप अगर खुद मुख्यमंत्री, आपको कोलिशन का धर्म, आपको फेडरल स्ट्रक्चर समझना चाहिए, इस तरह से नहीं करना चाहिए। अरे भाई, मैं होटल में लोग आने से बंद कर दूंगा तो किसके कैसा फेडरल स्ट्रक्चर है? कल आप होटल बुक करेगा और मैं मना करूंगा कि देश में फेडरल स्ट्रक्चर चल रहा है और असम का होटल में आप मत आइए, तो ये थोड़े फेडरल स्ट्रक्चर इसको बोलता है। कितना दिन में सरकार बन जाएगा? मेरा पता नहीं है, लेकिन असम में जितना दिन रहेगा मेरे लिए खुशी का बात है कि रहिए। मैं तो सबको बुलाता हूँ, सब आइए असम में। आप उद्धव ठाकरे जी से क्या कहना चाहेंगे? आप भी वेकेशन में आइए असम में। असम के CM हिमंता बिस्वा शर्मा ने उद्धव ठाकरे पर चुटकी क्या ली। बात निकली तो दूर भले ही ना गई हो, महाराष्ट्र तक जरूर पहुंची, क्योंकि जवाब शिवसेना की तरफ से आया। शिवसेना ने कह दिया कि एकनाथ शिंदे पर BJP का कब्जा हो गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।